सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकॉन को दबाइए हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार किसान भाइयों, आज के वीडियो में हम आपको बताएंगे आयसर के 485 HD ट्रैक्टर के सभी फीचर्स, स्पेसिफिकेशन और कीमत के बारे में। आयसर ने यह ट्रैक्टर कई वेरिएंट में निकाला हुआ है, हम जल्दी इसके बाकी वेरिएंट की वीडियो भी आपके लिए लेकर आएंगे। सामने से इसका लुक बहुत ही सुंदर और आकर्षक लगता है। सामने की तरफ शानदार डिजाइन और तेज रोशनी वाली हेडलाइट दी गई है। फ्रंट लाइट के साथ ही इंडिकेटर दिए गए हैं। आयसर 485 HD ट्रैक्टर के डिजाइन की बात करें तो यह आयसर के ट्रेडिशनल लुक के साथ आता है। इस ट्रैक्टर में सिंगल पीस बोनट दिया गया है जिसे आप आसानी से खोलकर मेंटेनेंस का काम कर सकते हैं। आगे की तरफ मजबूत बम्पर दिया गया है जो भारी ट्रॉली या भारी उपकरण के साथ काम करते हुए ट्रैक्टर को आगे से उठने नहीं देगा और ट्रैक्टर को दुर्घटना से भी सुरक्षित रखेगा। बेहतरीन डिजाइन वाली फ्रंट ग्रिल दी गई है जिससे इंजन को हवा मिलती रहे और धूल मिट्टी इंजन तक ना पहुंचे। यह ट्रैक्टर खेती में ढुलाई के सभी काम बहुत अच्छे ढंग से करता है। दमदार होने के साथ ही यह माइलेज के मामले में भी शानदार ट्रैक्टर है। इसकी डीजल खपत बहुत कम है जिससे आप ज्यादा बचत कर सकते हैं। अब बात करते हैं आयसर 485 HD ट्रैक्टर के इंजन की। इस ट्रैक्टर में 3 सिलेंडर और 48 HP श्रेणी का इंजन होता है। इसकी क्यूबिक क्षमता 2950 cc की होती है। बोस कंपनी का इनलाइन फ्यूल पंप दिया गया है। इंजन को ठंडा रखने के लिए ये फैन दिए गए हैं, मतलब इस ट्रैक्टर में आपको रेडिएटर देखने को नहीं मिलेगा। प्री क्लीनर के साथ 4 स्टेज वाला ऑयल बाथ टाइप का एयर फिल्टर दिया गया है। 12 वोल्ट और 75 Ah की बैटरी ड्राइविंग सीट के बगल में ही दी गई है। हैवी ड्यूटी फ्रंट एक्सल दिया गया है जो कि पहले से ज्यादा बेहतर है। अब बात करते हैं इसके ट्रांसमिशन की। आयसर 485 HD ट्रैक्टर में कॉन्स्टेंट मैस व स्लाइडिंग मैस के कॉम्बिनेशन वाला सेंटर शिफ्ट ट्रांसमिशन दिया गया है। इसमें आपको साइड शिफ्ट ट्रांसमिशन का विकल्प भी मिलता है, अगर आप चाहें तो वो ले सकते हैं। आयसर 485 HD ट्रैक्टर में 8 गियर आगे के लिए व 2 गियर पीछे के लिए दिए गए हैं। इस ट्रैक्टर में मल्टीप्लेट तेल में डूबे हुए डिस्क ब्रेक दिए गए हैं जिनका कंट्रोल बहुत अच्छा होता है। इनका मेंटेनेंस खर्च बहुत कम होता है। क्लच के लिए भी आपको अलग अलग वेरिएंट में सिंगल व ड्यूअल का विकल्प मिलता है। अपने काम की जरूरत के हिसाब से आप कोई सा भी ले सकते हैं। 6 स्प्लाइन वाली ड्यूअल स्पीड PTO दी गई है जो 540 RPM पर काम करती है। इसमें आपको मल्टी स्पीड व रिवर्स PTO का विकल्प भी मिलता है। ड्राइविंग सीट के बाएं तरफ PTO सेट करने का लीवर दिया गया है। इस ट्रैक्टर की ड्राइविंग सीट काफी आरामदायक और एडजस्टेबल दी गई है जिसे आप एक लीवर की सहायता से अपनी सुविधा के हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। बड़ा डीजल टैंक दिया गया है जिसे एक बार भरवाकर आप निश्चिंत होकर पूरा दिन काम कर सकते हैं। चालक की पहुंच में ही फाइबर का टूल बॉक्स दिया गया है। ब्रेक के पास ही पार्किंग ब्रेक दिए गए हैं जिसे आप आसानी से ऑपरेट कर सकते हैं और यहीं पैर की रेस भी दी गई है। स्टीयरिंग के लिए इस ट्रैक्टर में मैनुअल व पावर दोनों विकल्प मिलते हैं, आप कोई सा भी विकल्प चुन सकते हैं। स्टीयरिंग के पास ही लाइट व इंडिकेटर को चालू व बंद करने का स्विच दिया गया है। पास में ही हॉर्न, ट्रैक्टर को स्टार्ट व बंद करने के स्विच दिए गए हैं। अगर गलती से डीजल टैंक में पानी चला जाए तो इंजन को नुकसान हो सकता है। इस नुकसान से बचाने के लिए इस ट्रैक्टर में दिया गया है वाटर सेपरेटर जो डीजल से पानी को अलग करता है। ड्राइविंग सीट के पीछे 12 वोल्ट का मोबाइल चार्जिंग पॉइंट दिया गया है जिसमें आप मोबाइल चार्ज कर सकते हैं। किसान भाइयों की सहूलियत के लिए आयसर कंपनी आपको देती है वाह सर्विस। ट्रैक्टर में कोई भी परेशानी होने पर आप ट्रैक्टर पर दिए गए नंबर पर संपर्क करके कंपनी से उस समस्या का समाधान करा सकते हैं। ड्राइविंग सीट के पीछे रिफ्लेक्टर और बोतल होल्डर दिए गए हैं। सिंगल ऑक्सिलरी वाल्व दिया गया है और इस ट्रैक्टर का डैशबोर्ड डिजिटल व एनालॉग दिया गया है जिसमें कुछ चीजें आपको डिजिटल मीटर में दिखती हैं और कुछ एनालॉग मीटर में। दोनों मडगार्ड्स के बीच में फेंडर गार्ड दिया गया है जो मडगार्ड्स को मजबूती प्रदान करता है। एक लाइट इसमें पीछे की तरफ भी दी गई है जो रात के समय काम करने में काफी मददगार होती है। अब बात करते हैं इसके हाइड्रोलिक सिस्टम की। इस ट्रैक्टर के अलग अलग वेरिएंट में आपको 1600 किलोग्राम से 1800 किलोग्राम तक की लिफ्टिंग की क्षमता दी गई है। अगर आप ट्रॉली में लाइट या इंडिकेटर काम में लेते हैं तो इलेक्ट्रिक पॉइंट दिया गया है, इससे कनेक्ट कर सकते हैं। इसकी हाइड्रोलिक में एक खास सुविधा दी गई है, चेन की जगह इसमें जैक सिस्टम दिया गया है जो कि चेन से बेहतर होता है और इसकी लाइफ भी ज्यादा होती है। 3 पॉइंट लिंकेज सिस्टम दिया गया है जिसमें आप अपनी जमीन के हिसाब से उपकरण सेट कर सकते हैं। अब बात करते हैं इसके वजन व डायमेंशन की। आयसर 485 DI ट्रैक्टर का कुल वजन 2045 किलोग्राम है।
ट्रैक्टर की लंबाई 2590 mm की है, चौड़ाई 1710 mm की है, व्हील बेस 2008 mm का है, ग्राउंड क्लियरेंस 385 mm का है और ब्रेक के साथ इसका टर्निंग रेडियस 3200 mm का है। इसके आगे वाले टायर 616 के साइज में और पीछे वाले टायर 1428 के साइज में दिए गए हैं। टायर साइज काफी बड़ा है जिससे टायर फिसलने की समस्या नहीं होती। टायर कम घिसते हैं और लंबे समय तक चलते हैं। इस ट्रैक्टर की वारंटी 2 साल या 2000 घंटे की आती है और इसकी कीमत है 7,30,000 रुपए से 7,60,000 रुपए तक। कीमत में राज्य व क्षेत्र के हिसाब से थोड़ा अंतर भी हो सकता है। तो किसान भाइयों, आपको आयशर का यह ट्रैक्टर कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। अगर किसी और ट्रैक्टर का ऐसा वीडियो देखना चाहते हैं तो उसका नाम भी हमें कमेंट करके बताएं। ऐसे ही वीडियो देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी वाले बटन को जरूर दबाएं। धन्यवाद। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको हमारी वीडियो से जानकारी मिली हो तो लाइक कमेंट जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारी नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिले।